वेलकम टू मी सुमित। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट का। मैंने 1.1 करा दी थी, 2 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 4 में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग से 1, 3, 1, 5 एंड 6 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस उधर करना है 1, 5 और 6 में। तो आज मैं 5 की आइडेंटिटी पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 को भी देख लेंगे। ओके, ये आइडेंटिटीज है आपकी जो कि आपको यूज होने वाली है। रूट में ए भी लिखा हुआ तो उसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। ओके, रूट में 1 ए अपॉन बी लिखा हुआ तो उन्हें भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। रूट में ए प्लस बी लिखा हो और एक में ए माइनस बी लिखा हो तो हम ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि जी मैं आपको बता दूँ क्या था, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी जो होता है रूट में तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ऐसे बेटा यहाँ पे जी रूट है ना, तो रूट ने क्या किया, इनके स्क्वायर को हटा दिया, बस यही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। यहाँ पर रूट लगा दिया, इसीलिए एक नई आइडेंटिटी बना दी है, यही आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, सेम यही आइडेंटिटी। ये रूट ने क्या किया, इसका रूट, रूट ने इसका स्क्वायर हटा दिया, लेकिन ए पे रूट नहीं है। क्या ए पे कहीं आपको रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इसीलिए ए पे स्क्वायर आ गया, लेकिन बी पे ये रूट होने के कारण बी का स्क्वायर निकल गया। बाकी फॉर्मूले तो हमें एक ही है। ये क्या लिखा है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। जैसे मैं अभी बताऊँ ऊपर वाले नीचे वाले को इरेज करके, पहले हमने इसे देख लेते हैं। ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है जी। क्या बनता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है। देखो ए क्या है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर होकर क्या बना, ए बना, ठीक है। बी क्या है, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर होकर रूट बी बना। और जे ए बी देखो यहाँ पर क्या आ गए, रूट के अंदर आ गए। तो वही चीज़ें जो कि हम नॉर्मल करते हैं, वही वाले फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं आपको 5 वाला समझा रहा हूँ, 5 वाले मैंने किया क्या है। पहले मैं ऊपर वाले नीचे वाले रेज कर दूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं फॉर्मूले, ठीक है, आप लोग देख लेना। ऐसा है 1.5 से पहले, अब आप देखिए फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 जी बना कैसे, तो पहले ए का मल्टीप्लाई सी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रूट ए सी हो जाएगा। ए सी चलाने की मत बोल देना, ए सी चला दो, ठीक है, रूट ए सी हो गया यहाँ से। फिर इसी ए का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, डी से करेंगे, तो क्या हो गया, रूट ए डी। आपके पैर की ए डी नहीं है, वेरिएबल वाली ए डी, ओके, तो वो समझ नहीं लगा आपको। फिर देखो ए का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हो गया, इसके बाद हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम करेंगे बी का मल्टीप्लाई। बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले सी से होगा, रूट बी सी, ठीक है। फिर बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, डी से होगा, क्या बनेगा, बी डी, जला लें बी डी, ठीक है। जलाने वाली नहीं है हमारी, वेरिएबल वाली, नहीं तो बोलने लगो, कई तो बोलने लगे होंगे सर जला लो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, ए सी घर वाली नहीं है, ए डी पैर वाली नहीं है, बी डी जलाने वाली नहीं, ठीक है, तीनों सारी चीज़ें वेरिएबल है, बस हमारा बी सी बचा हुआ है जो इसमें नॉर्मल है, ओके। जी मैंने आइडेंटिटी बता दी आपको, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, उसने आपसे क्या पूछा गया है, मैं बुक ले लूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर, क्या लिखा है, नंबर एज रेशनल और इरेशनल, हमें बताना है कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो जबकि मैंने आपको पहले बताया था एक पूरा चार्ट बना के कौन सा रेशनल है इरेशनल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पर ही मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से पहले उस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, ओके। मैं फिलहाल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाह रहा। जो क्या दिया है, पहला वाला आपको 2 - √5, सेकेंड वाला हमें क्या दिया है, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, सेकंड वाला हमें दिया है सी प्लस √23 - √23, ओके। थर्ड वाला क्या दिया है हमें, 2 √7, देखना ये चीज़ दिख रही है क्या बोर्ड पर, 2 √7 अपॉन 2 क्या दिया है, 7 √2, सॉरी 7 √7 ये दिया है, ओके। फोर्थ वाला हमें क्या दिया है, सारे लिख लो, 1 / √2,
फिफ्थ वाला हमें क्या दिया है, 2 पाई, क्या दिया है हमें 2 पाई। तो सॉल्यूशन अब आपको बताने हैं इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। अगर आप पहली वाली वीडियो देखे हैं तो 99% में बोल सकता हूँ आप इसके करेक्ट आंसर देंगे, नहीं देखे हैं तो अब देख लेना मैं आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। देखो रूट की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा इरेशनल। तो पहला कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बता सकते हो क्यों होगा, क्योंकि इसमें रूट के अंदर 5 है। सेकेंड वाला आप बोलोगे सर रूट के अंदर 23 है, इरेशनल नहीं। जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो क्या बनेगा, 3 + √23 - √23, इससे से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से कैसा नंबर बना, एक रेशनल नंबर बना। कैसा बना, रेशनल नंबर बना। ओके, अब आते हैं हम 3 वाले पे। देखो √7 से √7 कट होगी, क्या बचा, 2/7। 2/7 कैसा है हमारा, एक रेशनल नंबर है। कौन सा फ्रैक्शन है ये हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वैल्यू छोटी नीचे वैल्यू बड़ी। ओके, अब जब बना कौन √2 कैसा है हमारा, √2 आ गया तो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। मुझे यहाँ पे क्या है, पाई आ गया। पाई कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल होता है मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है हमें। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला क्या दिया है हमें, 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, 2 + √3 क्लियर। यही हमें दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें फर्दर आगे की मूवमेंट में क्या स्टेप लेने हैं, पहले हमें ये देखना है। तो आप जी सी देख सकते हैं a + b, और ये क्या लिखा है, c + b। देखो दोनों टर्म लास्ट की सेम है, आपको कुछ नहीं आ रहा ना, आइडेंटिटी नहीं आ रही, कौन सी आइडेंटिटी लगाना है तो कुछ मत करो। पहले इसमें बोला है क्या आइडेंटिटी लगानी, सिंप्लीफाई बोलेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। कोई हमें आइडेंटिटी का नहीं बोला, कौन सी आइडेंटिटी हमें लगानी है कौन सी नहीं लगानी, कुछ भी हमें इसमें नहीं बताया गया है। तो आप देख लीजिए पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, आप देखो 2 का मल्टीप्लाई √3 से क्या, 3 का इसका इससे, तो क्या हो जाएगा, 3 √3। क्लियर, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या हो जाएगा, +2 √3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या हो जाएगा, 3। क्लियर, तो ये चीज़ें हमें अब क्या करनी है, 6 + √3 √6 5 √3 + 3 = 6 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9 + 5 √3। और अब इसमें साइन चेंज तो नहीं है कहीं, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, ये एक नया क्वेश्चन ही बन गया आपके लिए, बट आपको ये नहीं दिया था, आपको यहाँ पर 2 दिया है पहले। चलो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं उसे करा था, क्लियर कर लिया। अब मैं उसे करा रहा हूँ आपके वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे आएगा 2, तो 3 का 2 से होगा तो क्या होगा, 6। 3 का √2 से होगा तो क्या होगा, 3 √2 प्लस √3 का 2 से होगा 2 √3 प्लस इन दोनों का आपस में होगा तो क्या होगा, √6। मैंने बताया था √ab क्या होता है, √a और √b होती है, क्लियर। तो ये वही चीज़ है आपकी, तो ये आपका क्या हुआ, 1 आंसर हुआ। इसे आप किसी भी फॉर्मेट में लगा सकते हैं, आपका आंसर यही होने वाला है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए इससे पहले इरेज करना होगा, इसका सेकंड वाला क्या है, 3 + √3 3 - √3 3 + √3 3 - √3। क्लियर, हम इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 9। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा, -3 √3। तो जो इनके बीच में साइन होगा ना हम उसे यूज करेंगे, और इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 3 √3। इसका इससे होगा तो क्या होगा, -3। क्लियर, तो यहाँ से ये कट जाएंगे आपस में, जो दोनों वैल्यू 9 - 3 - होगा तो आंसर 6। क्लियर, तो इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, ओके थर्ड वाला क्या है, हमें क्या दिया है, थर्ड वाला √5 + √2
स्क्वायर यही तो दिया है, ठीक है यही दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ठीक है, ए बजे है बी, तो जब यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मूला लिख लूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है मामा, क्लियर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू क्या है बेटा रूट फाइव, तो यहाँ पर लिख दूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर। ये चीज़ तो आपकी समझ में नहीं आई, देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू किससे डिनोट कर रही है रूट फाइव से, और बी किससे डिनोट कर रहा है रूट टू से, ठीक है। तो ए की जगह रूट फाइव रखा, बी की जगह रूट टू रखा, बाकी सब सेम है एज इट इज, हमने वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया, क्लियर। तो देखो रूट फाइव का स्क्वायर होके फाइव प्लस ये क्या हो जाएगा टू रूट टेन, फाइव टू टेन रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर होके ये क्या आ जाएगा टू, तो ये ऐड हो जाएंगे फाइव और टू सेवन प्लस टू रूट टेन, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, ओके। अब हम किसे देखेंगे इसका फोर्थ वाला, फोर्थ वाले के लिए मुझे इरेज करना होगा, तो पहले मैं इसे इरेज करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ओके। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में कह रही है पर रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू। देखो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से कंपेयर करके इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो ये आपका आंसर, क्लियर। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ओके। अब हम देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, थ्री और फोर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाले, पहले आप उन चीज़ों को बस सीख लें जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम सारी चीज़ें करेंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम उन्हें पर्टिकुलर हर चीज़ को डीपली सॉल्व करते रहेंगे। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दिया क्या है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज करने है क्या डिनोमिनेटर सबका, पहला वाला क्या दिया वन अपॉन रूट सेवन, यही दिया है। तो देखो जी चीज़ आपको लिखनी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं लैंग्वेज कम लिखता हूँ, ठीक है, मेरी आदत नहीं है लैंग्वेज लिखने की, रेशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, रेशनलाइज कैसे करना है डिनोमिनेटर से, रेशनलाइज करते कैसे वन अपॉन रूट सेवन, तो देखो यहाँ पर एक वैल्यू है ना तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये तो सिंगल वैल्यू के लिए हुआ, डबल वैल्यू के लिए क्या होगा जो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, ओके। सिंगल वैल्यू के लिए रेशनलाइज हुआ आपका, तो देखो जी क्या हो जाएगा रूट सेवन, वन इंटू रूट सेवन रूट सेवन, और रूट सेवन इंटू रूट सेवन क्या हो जाएगा सेवन, तो आपका रेशनलाइज होकर इसका आंसर आया, क्लियर। और इसका हम देखते हैं सेकेंड वाला, इसका सेकेंड वाला हमें क्या दिया है वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, यही दिया है, ओके ये दिया है। अगर इसका रेशनलाइज करना है हमें, पहले लिखना होगा रेशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स इंटू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ओके। अब आपको दो वेरिएबल का डिनोमिनेटर करना है, यहाँ से सीख लेना है, सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वैल्यू है तो ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू का, डबल है तो उसका साइन चेंज करो पहले, फिर उसका क्या करो मल्टीप्लाई करो, जो बीच में साइन है ना ओनली वो साइन चेंज करना है और कोई साइन चेंज नहीं करना, क्यों करना है क्योंकि देखो ए माइनस बी तो ए प्लस बी, यहाँ प्लस होता तो क्या होता है ए प्लस बी, तो यहाँ बन जाता है ए माइनस बी, तो इससे हमें क्या होती है हमारा फॉर्मूला बन जाता है, हमें आसानी होती है इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। तो देखो जी ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बन जाएगा, तो जी देखो क्या बन जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना वही हमने कर दिया, तो जी क्या हो रहा है रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन सेवन माइनस सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। सिक्स सेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड वाला मैंने सॉल्व करा दिए और बाकी दोनों मैं करा रहा हूँ। ओके, और आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। थर्ड वाला इसका क्या है, वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू, यही है। क्लियर? हमें क्या करना है, रेशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू इंटू रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन रूट फाइव माइनस रूट टू। क्लियर? ये हुआ आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन। तो जब इसका रेशनलाइजेशन हुआ तो ऊपर क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट टू। क्लियर? क्या हो जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, देखिए यहाँ से रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन फाइव माइनस टू, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला हमें क्या दिया है, फोर्थ वाला हमें दिया है वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू, ये दिया है। अब इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो मैं नीचे नहीं लिख रहा, मैं इधर ही कर लेता हूँ रेशनलाइजिंग इसका, रूट सेवन प्लस टू अपॉन रूट सेवन प्लस टू। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू अपॉन में रूट सेवन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू, नीचे सेवन रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, टू का स्क्वायर फोर, तो रूट सेवन प्लस टू अपॉन सेवन माइनस फोर थ्री। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो आपको ही 1.5 कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.6। अब वीडियो में आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप एक कमेंट लीव कर देना, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ओके, और कोई पॉइंट है जो कि आपके माइंड से ऊपर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो बताइए, मैं वहाँ पर स्लो हो जाऊँगा। ओके, आगे की वीडियो के लिए, इसमें तो नहीं हो पाऊँगी, इसमें तो करा ही दिया है, आगे की में मैं स्लो हो जाऊँगा। ओके, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बता देना, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करनी है, और उससे पहले एक चैनल है मिसो मैनेज, जिसका आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।